अस्सलामुअलैकुम साहब जी। हेलो चौकीदार जी। साहब जी, अच्छा तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? फिगर ही नहीं करे साहब जी। अच्छा जरा संभाल के, आज एग्जामिनेशन हॉल में इद्रीस साहब की ड्यूटी है, वो इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं और मेरे बाकी दोस्त भी। मसला ही नहीं है साहब जी, बेफिक्र हो क्या आप जाके एग्जाम दें। ओके ओवर एंड आउट। आउट ऑफ गेट आउट। एक घंटा गुजर चुका है, आप लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे। अब पानी सर। भाई पानी पिला, घर से पीकर आया करो। सर 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 पानी। बस दिल्ली थोड़ी देर फिर आ जाना पानी के लिए। जी 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 सर। पानी सर। सारा पानी इसी को पिला दोगे मिया? दो घंटे गुजर गए हैं, आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अब सर पानी। ये मोटे कहाँ रहते हैं सर? वो देखें बातें कर रहे हैं। मसला सर वो पानी। अरे गए ये बबलू। बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ डैड। क्यों क्या हुआ? नहीं आर यू ओके? आई एम वरीड यार। डैड डैड क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ, क्या हो गया? यार वो प्रिंसिपल एड्रीस है, उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि तुम पेपर के दौरान पानी पीते रहे हो। अच्छा वो नहीं नहीं वो डैड वहाँ पे पीने को साफ पानी था ना, तो मैं पीता गया। मगर 2 घंटे में 10 गिलास। सो व्हाट्स द बिग डील डैड? बेटा 2 दिन में तुम 10 गिलास पानी नहीं पीते हो, तो 2 घंटे में 10 गिलास कैसे पी लिए? डैड आप बिलावजा कॉन्शियस हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। अच्छा गुड। ये बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पूरे 10 गिलास पानी पीने के बाद पूरे 10 सवालात किए मैंने। ओ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब तुम्हें भी मैंने एक गुड न्यूज देनी है। वो तुम्हारे जफर मामू है ना, वो ईद करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्हें गए हुए कुछ 10-12 साल नहीं हो गए? अब क्यों आ रहे? पता नहीं, मगर वो तो कहते थे कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। हाँ बेटा आखिर उनकी एक जवान बेटी भी तो है ना। हाँ अदा। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनकी एक बेटी है? बेटा मेरे जितने भी दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर है ना, वो अपनी बेटियों की शादी के लिए पाकिस्तान आते हैं। ओह अच्छा, तो अदा की शादी के सिलसिले में आ रहे हैं। हाँ भाई बहुत अच्छी बच्ची है और मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा तो लड़का देख लिया उन लोगों ने? लड़का वैसे ये काम उन्होंने मुझे सौंपा। क्या इसका मतलब है कि इस साल उस लड़की की शादी नहीं होगी? क्यों भाई? लगता है जफर मामू को ये पता नहीं है कि आप कितने बिजी रहते हैं। आ, बेटा मैंने तो लड़का देख भी लिया है। अरे वाह डैड आप तो वो शादी कराने वाली खाला बन गए। एनीवे कौन है लड़का? लड़का जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, हैंडसम। अच्छा You. What? Yes. No. Yes. No, Dad. Dad, मैं अभी शादी नहीं कर सकता यार। क्या मतलब है? क्या बात कर? अरे छोड़।
अरे यार क्या हो गया डैड? अरे तुम्हारा तो बाप भी शादी करेगा। आप कर ले। अरे चल बड़ा आया, ये अदा की और रहमत की जोड़ी तो कमाल रहेगी। और मेरी बात को कैसे टाल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इम्पॉसिबल। मजाक कर रहा बेटा, तुम्हारी शादी अदा से ही होगी, ये मैंने कह दिया। हाँ क्रेजी बॉय। यार बबलू तू समझ नहीं रहा, अगर डैड के दिमाग में ये बात बैठ गई ना तो मेरा जीना हराम कर देंगे। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, कर ले शादी। लगता है तेरे पेट के साथ साथ तेरे दिमाग में भी चर्बी चढ़ गई है। जिस लड़की को मैंने 12 साल से नहीं देखा उसे शादी कैसे कर लू? तो क्या हो गया, शादी के बाद देख लेना। तू कॉमेडी कर रहा है? ऐसे बाय द वे तुझे लड़का कौन मिल रही है, तो कर ले शादी। देख बबलू, तू अगर मुझे मशवरा नहीं दे सकता तो मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अच्छा, सुन भाई, सीधा साधा जाकर अंकल को बोल देना तो किसी को पसंद करता है, और जब डैड पूछेंगे कि वो कौन है तो क्या बोलूंगा मैं? तो कह देना कि वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा तो तेरा क्या ख्याल है, विल इट वर्क? यार बबलू का मशवरा है, ट्राई तो कर। बाय। रंडे टॉप किया है। नहीं कर यार। तेरे भाई ने टॉप किया है यार। देख इस बार बर्दाश्त कर ले, अगली बार ऐसा कभी भी नहीं होगा। बधाई दे रहे मुझे? बधाई नहीं दे रहा, मैं तेरे कॉलेज का चौकीदार नहीं बनूंगा। अच्छा वैसे थैंक यू यार। थैंक यू किशोर, भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ये था, अगर ऐसी बात है तो ये तो मुझे कहीं से भी करा दे यार, बस पिज्जा खिला दे मुझे। ये मुंह छुपा के कहां जा रहे हो? जब वहां शर्म नहीं आई तो यहाँ क्यों डर रहे हो? इदरीस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि तुम चीटिंग करके टॉप पे पहुंचे हो। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अहमद रेस का वो घोड़ा है जो अकेला भी दौड़ेगा तो दूसरे नंबर पर आएगा। बहुत हो गया शमशेर। पहले इस मोटे को गोली मारना, इसी ने सारी गड़बड़ की है। Congratulations, my son. Congratulations. Sir, thank you, Dad. You make me proud, my son. भाई वाह, अहमद ने तो इस दफा कमाल कर दिया। Thank you, sir. ये कौन है? इसको कहीं देखा लगता है। कहाँ देखा है? लगता है ये हमारे कॉलेज का चौकीदार। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो अहमद के बचपन का दोस्त है, इनके वालिद बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये खुद इंजीनियरिंग कर रहा है। क्यों? हाँ आई एम सो सॉरी बेटा। नहीं नहीं इट्स ओके, अब तो मुझे अपना आप ही चौकीदार सा लगता है। नहीं वैसे मजाक करता था। ओ, तेरा काम करना है ना? कौन सा काम? यहाँ से बहुत दूर जाके। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। बैठो अदरीस। Wow, I'm really proud of my son. Wow, he's doing well, you know. Fantastic. Zafar bhai, कैसे हैं? पाकिस्तान कब आ रहे हैं? बस इंशाल्लाह दो दिन बाद, संडे को हमारी फ्लाइट है भाईजान। यार जल्दी आ जाओ, मैं तो अदा को देखने के लिए बेचैन हूँ। बस वो भाईजान अदा नहीं आ सकेगी हमारे साथ। क्यों भाई? वो असल में उसके कुछ पेपर्स रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह 15 रोजे तक पहुंच जाएगी। ओहो, यार ये तो बहुत ही बुरी खबर सुनाई है। खैर आप बताएं अहमद कैसा है? हाँ भाई अहमद खुश है अपनी जिंदगी में और पूरे कॉलेज में उसने टॉप किया है इस दफा। वाह क्या बात है भाईजान, वैसे इसकी दाद तो आपको देनी चाहिए, यानी बाजी के मरने के बाद आपने जिस तरह परवरिश की है ना अहमद की, कमाल है। वैसे अहमद माँ के इंतकाल के बाद काफी समझदार हो गया, मैं तो उसे कोई खास टाइम दे नहीं सका। भाईजान आपने अहमद को हमारे आने का बताया है? अरे मैंने तो उसे ये भी बताया कि मैं उसकी शादी अदा से करने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर क्या रिएक्शन था उसका? वैसे तो कोई खास नहीं था, लेकिन मैं उसे राजी कर लूंगा। ठीक है, बस इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। ओके बाय। अहमद भाई वो
चलो जल्दी करो, वो जफर और उनकी फैमिली आ रही है, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आना है। हा? मैं? हाँ हाँ, और कौन? मैं क्यों जाऊं, ड्राइवर को भेजे ना। बुरी बात है बेटा। अरे इसने बुरी बात किया है बेटा, 12 साल के बाद आ रहे हैं। 12 साल के बाद आ रहे हैं, जब ही तो कह रहा हूँ, मुझे तो उनकी शक्लें भी नहीं याद, मुझे क्यों भेज रहे हैं, कितनी इंसल्ट होगी। वाह, ये तुम अपनी इंसल्ट को लेकर कॉन्शियस कब से होने लगे? मैं अपनी इंसल्ट की नहीं डैड, उनकी इंसल्ट की बात कर रहा हूँ। देखो बहाने नहीं चलेंगे, तुम ऐसा करो, तुम बबलू को साथ ले जा। डैड मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। ओहो चलो उठो, छोड़ो। इतना अच्छा मैच आ रहा है, मैं नहीं छोड़ा। छोड़ो मैं कर, चलो। अरे चलो जाओ, जल्दी से जाओ और बबलू को लेके जाना। हाँ आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। चलो चलो निकलो। नहीं, यू आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखिए मुल्क अंदरून शहर। हाँ भाई, यहाँ पे डाक का निजाम बहुत बेहतर हो चुका है। अच्छा भाई, ये शमशेर भाई ने किसी को भेजा नहीं। जफर हुसैन, आप जफर मामू हैं? अहमद मियाँ, वाह कमाल। अरे अहमद, ये क्या किया भाई? मैंने कहा था ना कि अहमद एक झटके में मुझे पहचान लेगा। हाँ जाहिर है, इतनी जोर से उसको पकड़ के भीजेंगे तो पहचान तो जाएगा ही। वैसे बेटा तुम तो काफी बदल गए हो। मैं? नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ। अरे नहीं मियाँ, तुम बचपन में बहुत दुबले पतले होते थे, अब तुमने खूब सेहत बना ली है और सुपरमैन की जर्सी भी पहनी हुई है भाई। वाह भाई। चले गालिबन। जी जी, सारी बातें यहीं तक। हाँ मैं भी है। चलो बेटा, हाँ चल। चारों पीस है जरा सामान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अहमद मियां, ये कौन साहब है? ये है आपका भांजा अहमद। ये तो तुम कौन हो? मैं बबलू, इसका दोस्त है भाई। ये तो कमाल सरप्राइज दिया तुम लोगों ने बबलू मियां, कमाल सरप्राइज दिया तुमने भाई अहमद। अरे वाह भाई, माशाल्लाह बड़े हैंडसम हो गए भाई, क्या बात है। अरे वाह, हाँ भाई अहमद ही है। काफी स्मार्ट हो गए हो माशाल्लाह। जी जी, थैंक यू। हाँ भाई, भांजा किसका है तो हैंडसम तो होगा। जी जी। बबलू सामान देखो, आप लोग आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। हाँ चले, आइए चलिए बैठिए। आओ भैया। ओ शमशेर भाई, सफर क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग गुड। अच्छा हुआ तुम पाकिस्तान आ गए। अरे पाकिस्तान, अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। क्या बात? लेकिन अंकल मैंने तो सुना था कि आप लोग कभी पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। अरे ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले जाओ इनको कमरा दिखाओ ताकि ये फ्रेश हो और खाना खाए। जी डैड। आप भी साथ चली जाओ और ये बैग्स जो है ना, ये भी रूम में रखवा देना। हाँ जेनिफर हमारी हेल्पर है, बट शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली नाउ। ओह गुड। यार जफर, अगर आधा आती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। शमशेर भाई आ जाएगी ना, सिर्फ 15 रोज की तो बात है भाई साहब। वो 15 रमजान तक आ जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए ना, परसों से रोजा होगा ना। हाँ, और 15 दिन गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तो फ्रेश हो जाओ तुम ताकि फिर खाना वाना खाए। तुम्हारे घर कैसा लगा? वेरी नाइस।
लीजिए जी, फिर आपका बैग, फिर आपका कमरा, एंड इसको जैसे भी सेट करना होगा आप कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी किस बात की? जी सो यू आर अहमद राइट? या हाँ मैं अहमद। यू आर सो व्हाट स्वीट, तुम क्या समझे? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सो आई कुड किल हर। व्हाट? सॉरी तुझे सब कुछ फनी लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। परेशान हूं बाबू, कोई मशवरा दे यार। यार देख तू एक काम कर, तू घर से भाग जा। पागल पागल हो गया है क्या यार? मैं सही कह रहा हूँ, तू वाकई घर से भाग जा। तो उसे क्या होगा? यार देख उस घर में ना तेरी इज्जत को मसला है। सोचता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डैड को उसमें पसंद क्या आ गया। यार देख तू एक काम क्यों नहीं करता, तू अंकल को ना आराम से अकेले में बैठ के समझा और वही कर जो मैंने तुझे कहा। क्या यार तू बोल देना तो किसी को पसंद करता है। सोचता रहे। वहां से देख सोचना शुरू, सोचता तो भूख नहीं लग गई? हाँ चल कुछ खाते। भाई वाह, जो देसी खाने का मजा है ना वो कहीं और हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। अरे मामू क्या बात करें, ये सारी चीजें तो वहां पे भी मिलती। तो क्या अमेरिका में आप लोग पाकिस्तानी खाना नहीं खाते? नहीं अहमद बेटा, सच पूछो तो 12-13 साल में जितना मैंने आज खाना एंजॉय किया ना, इतने सालों में एंजॉय नहीं किया। अच्छा, तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 12-13 सालों में मुमानी ने आपको अच्छा खाना खिलाया ही नहीं है ना? देखे बदमाश। ये प्लीज इसकी बात को संजीदा मत ले, ये ऐसे ही है। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये आप कबाब लेना। नहीं बेटा तुम्हें क्या हुआ? नहीं मिर्च पे बैठ गए? नहीं नहीं नहीं। अरे अच्छा खैर, शामी कबाब की तो गुंजाइश हमेशा रह जाती है। शमशीर भाई अदा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नदरे बात से बचाए ना, बहुत प्यारी लग रही है। अगर आज आमना जिंदा होती तो देखकर कितना खुश होती। ये याद है मुझे, अदा की पैदाइश पे आमना आपा सबसे पहले पहुंची थी हॉस्पिटल, अब बहुत खुश थी। जी वो रात तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। रात का 1 बजा था और वो खुशी के मारे उस वक्त पहुंच गई थी अस्पताल। मेरे ख्याल से अहमद भी कोई 1.5 साल का ही था। हाँ वो थी ऐसी, और अहमद भी ऐसे ही है, प्यार करने वाला। भाई साहब आपने अहमद से बात की? नहीं नहीं मैं अभी करूंगा। अच्छा है जब तक अदा भी आ जाएगी और अहमद भी जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लेगा। शमशेर भाई हम ये चाहते थे कि
अहमद की अगर खुशी हो तो ये काम किया जाए, मेरा मतलब है कुछ जबरदस्ती ना की जाए अहमद के साथ। हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरफ से किसी गलत तासुर का शिकार। कैसी बात है, तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी। अहमद मेरा बेटा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी किसी बात को मना कर ही नहीं सकता। You don't worry. Wow. Sorry, Dad. मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। Look at me. Look at me. How could you say this to me? Dad, मैं आपको किस तरह बताऊं, वो अच्छी लड़की नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अगर आप मेरे बाप नहीं होते ना, तो मैं आपको खोल के बताता उस लड़की के बारे में। क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? तुम किसी और को पसंद तो नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कौन है वो? वो जोहा, मेरी क्लास फ्रेंड जोहा। जोहा? जोहा हमारी स्टूडेंट तो है, मगर अहमद से शादी करवाने के लिए मैं तुम्हें कभी मशवरा नहीं दूंगा। मगर अहमद उसे पसंद करता है। शमशेर, उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं, उसके बाप भाई सब गुंडे हैं, बदमाश हैं। भाई आगे तुम्हारी मर्जी। मगर डैड, मुझे शादी जोहा से करनी है, उसके बाप भाई से नहीं। अहमद, बेहतर होगा कि तुम इस मौजू पे मुझसे बात ही ना करो। मगर डैड, आपने आज तक मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ किया ही नहीं। अहमद, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, मैं तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा। मैं आपको किस तरह बताऊं यार, वो लड़की दो नंबर है, दो नंबर। तुम किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलोगे, मैं सोच भी नहीं सकता। डैड, बस शट अप। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अदा से, ये मेरा फैसला है। अदा? कैसे समझाऊं इनको यार, कैसे समझाऊं? नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। यार, अंकल ने इतनी जल्दी सुहा की इंक्वायरी निकलवाई कैसे? बताया तो था कि कॉलेज के मुतल्लिक कोई भी बात हो तो डैड फौरन रिद्री साहब को फोन करते हैं, अपने कॉलेज के डीन। अब क्या करेगा? वही तो सोच रहा हूँ। वैसे एक आइडिया है। क्या? लेकिन पहले सोच ले एक दफा, तूने उस अदा से शादी करनी है कि नहीं करनी? अरे नहीं करनी यार, तू आइडिया बता। कर तो सही, जाना जाना। आओ आओ तो आओ, बैठो प्लीज। क्या बात है अहमद, क्यों बुलाया मुझे? हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलो। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मत नेकी और पूछ पूछ। नहीं नहीं, एक्चुअली तुम समझी नहीं। तो तुम समझा दो ना। नहीं नहीं, देखो सोहा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है यार। तुम्हारी हर प्रॉब्लम मुझे कबूल है। नहीं नहीं, देखो मेरे साथ एक सीरियस प्रॉब्लम है। ओहो, मैं समझ गई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे खालू हैं, बहुत बड़े हकीम हैं, शफीक मोड़ पर उनका एक मतलब है। क्या तुम अलड़म शड़म बोले जा रही हो? मुझे तुमसे शादी करनी है, वो भी सिर्फ 30 दिन के लिए। लाहौर मिलाकर डूब क्यों नहीं जाते तुम चुल्लू भर पानी में? तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो? नहीं नहीं, देखो ना, तुम फिर गलत समझ रही हो। खूब समझती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, तुम लोगों को सिर्फ लड़के को यूज करना आता है। जोहा, मेरे डैड मेरी शादी मेरी कजन के साथ करवाना चाहते हैं, मैं उस कजन से शादी नहीं करना चाहता। डैड ने पूछा क्यों, मैंने कहा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा उस लड़के का नाम क्या है? मैंने कहा उस लड़की का नाम जोहा है, तुम्हारा नाम निकल गया बीच में। उन्होंने कहा अच्छा, उस लड़की से मुझे मिलाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, प्लीज। क्या हुआ, मान गई? नहीं, अब मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन उस अदा से शादी नहीं करूंगा। पागल हो गया क्या, इतनी जल्दी हार मान गया? सोचते हैं कुछ
दे रहा हूँ भाई भाई किसको बोल रहे हैं? मेरा नाम है एहसान हटेला, समझ गया ना? अच्छा एहसान हटेले भाई, वो सिम दे देना। अरे भाई बोलने का इतना ही शौक है ना, तो जाके सलीम चिकने को बोलियो और ये ले सिम। चिकना? सलीम चिकना तेरा दोस्त है क्या? नहीं। अच्छा वैसे मेरा मोबाइल बच गया। तो ये मेरा मोबाइल क्यों ले गया? पैट FIR कटाए। वो तेरा मोबाइल क्यों लेकर गया? देखिए मैडम, मेरी माँ तो मिल जाएगी ना? अभी बोल दिया ना मिल जाएगी, क्यों फ्री फंड में दिमाग की लस्सी कर रहा है? देखिए मैडम, मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अभी तू क्या अपनी माँ से मोहब्बत अनोखी करता है? इस दुनिया में हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ। और मेरे को एक बात बता, उस वक्त तेरी मोहब्बत की लोड शेडिंग हो रही थी जब तेरी बीवी तेरी माँ को घर से निकाल रही थी, हैं? ड्रामे बास कहीं का, चल अब दफा हो जाए यहां से। आ जाते हैं उठ उठ कर। हाँ भाई बोलो। वो मैडम हमारा मोबाइल छीन गया। तो यहाँ क्या लेने आए हो? वो रिपोर्ट लिखवानी थी मोबाइल छीनने की। जी। अबे तुम लोगों की खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं? मोबाइल छीनने के रिपोर्ट कौन लिखवाता है? अब तो तुम लोगों को आदी हो जाना चाहिए, कराची में रहते हो भाई। क्या बात कर रही है, उस मोबाइल में हमारे अहम कॉन्टेक्ट है। शक्ल से तू इतना बड़ा सुरमा लग नहीं रहा, बहुत हुआ बच्चियों के नंबर होंगे तेरे, है ना, इसलिए तड़प रहा है तू। तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? जरूरत ही नहीं है, चलो जाओ, शाबाश। तो फिर हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चल चल। अहमद, मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है। तू अपना आइडिया अपने पास रख, मैं जा रहा हूँ। सुन तो सही, सुन तो ले एक बार। फिर से बोल। नहीं वो सिर्फ 30 दिन के लिए, इसके हम आपको पैसे भी देंगे। अबे साले मोटे हराम खोर कहीं के, तेरे जिस्म में जितनी चर्बी है ना, तो रुक अभी सारे की सारी निकालते हैं। राजू राजू ले चलो दोनों को लॉकर में, अभी इन लोगों का इनकाउंटर करती हूँ मैं। मैडम क्या कर रही है, मैं तो वो तो चुप कर, तेरी अभी चमड़ू देती हूँ मैं, बीवी बनूंगी। अबे मोटे तू बात कैसी कर रहा है, ए जल्दी आ। हम तो कभी गदर गए भी नहीं, हमने तो देखा भी नहीं कैसा होता है, वो बहुत भयानक होता है, मुझे बहुत डर लगता है। अहमद मैडम, तो हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, अब क्यों सजा दे रही हैं? रमजान का महीना है और चंपा कली पूरे रमजान में 2 या 3 रोजे रखती है, और आज है मेरा रोजा। तो इसमें हमारे क्या कसूर है? हमारा भी तो रोजा है। कसूर है तुम लोगों का, तुम लोग अपने फैमिली के मसले यहाँ पे हल करे, और वो भी उस दिन जिस दिन मेरा रोजा है। तो हमें क्या पता था कि आज आप रोजा रख लेंगी? अच्छा हमने तो सुना था पुलिस वाले रोजा नहीं रखते। अबे बिल्कुल बेदिन समझा हुआ है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ मैं, चंपा कली 2 या 3 रोजे रखती है। चंपा मैडम प्लीज हमें जाने दे, अब घर पे फैमिली इफ्तारी का इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ तेरी मासूमियत देख के तुझे छोड़ रही हूँ। हाँ अब वैसे 30 दिन के 1 लाख रुपए बुरे नहीं है, जरा सोचिएगा।
दो घंटे मजीद इस लॉकअप में बंद रहो। मैडम मैडम मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। कहां फंस गया हूं यार, यदा तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, कैसे जान छोड़ा करना पड़ा। आ जाओ। हेलो। तुम? हाँ। तुम क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने भी तो बताया नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। देखो मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? देखो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कब कहा है? मैं कौन से शादी करना चाहती हूँ? मैं तो बस 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 क्या बस साहब, हाँ क्या क्या बस, खोल के बोलो बोलो बोल दो बोल दो। हेलो इंस्पेक्टर चंपा कली स्पीकिंग। कुछ रह गया था? कोई सजा बाकी थी? दो मिनट के लिए मुंह बंद करेगा अपना? बोलिए। अब मैंने तेरी मदद करने का फैसला किया। क्या? हाँ मगर सुन, ये सब कुछ मैं उस 1,00,000 रुपए के लिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तू मेरे को शरीफ आदमी लगा इसलिए। अरे बाप, आप तो बड़ी अजीम शख्स है, आप मेरा काम फ्री में कर देंगी? ए हेलो, तेरे ताया का वलीमा है क्या, फ्री फंड में क्यों करूंगी? अभी तो आपने बोला। मेरी बात सुन, चंपा ने ये नहीं बोला कि मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगी, 30 दिन के लिए मैं तेरी बीवी बन जाऊँ, वो भी फ्री में, हलवा है क्या चंपा? अच्छा अच्छा छोड़े मट्टी दाल, मैं कल ही आपके पास 50% का चेक लेके पहुँच जाऊँ। ठीक है मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो कोई काम तो हुआ। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये मान जाएगी। अच्छा और आपको कैसे अंदाजा हुआ? यार ये पुलिस वाले 10-20 रुपए लेके खुश हो जाते हैं, तूने उसे 1,00,000 रुपए ऑफर किए, 1,00,000 रुपए, और इसीलिए उसको तूने मेरी नकली बीवी बनने का मशवरा दिया है ना? एकदम करेक्ट। एक मिनट। हेलो। ए साजन बेपरवा, किधर है तू? बस आ रहा हूँ मैं। अच्छा सुन, एक बात करनी है मेरे को, ये पार्लर वाली 40,000 रुपए मांग रही है, इनको देने हैं या फिर तड़ी लगा दूं? नहीं नहीं तुम कुछ मत करना, मैं आके बात कर। ठीक है पर जल्दी आ। क्या हुआ? कुछ नहीं। भाई क्या कर रही है तू, छोड़ दे इन बालों को, बहुत देर से तू मेरे से तैयार कर रही, अभी तक तैयार ही नहीं हो पा रही मैं। जा उधर जाके कोने में अब खड़ी हो जा। अच्छा बात सुन, एक बात बता यार, तुम लोग कितना बड़ा पार्लर खोल के बैठे हो, फंकेशन के लिए लगाए हुए क्यों? मैडम 4-4 AC लगे हुए हैं, ये भी कम है। ओ ऐसे ही पूछ रही थी। चल चल मुझे तैयार कर, देर हो रही है। अच्छा तो तैयार करना, नहीं तो काउंटर कर दूंगी। अच्छा मेरा ख्याल है अहमद आ गया, एक मिनट। अच्छा हुआ तुम आ गए यार। मैं तो आ गया हूँ डैड, लेकिन अपने साथ किसी और को भी लाया। यार उसको बाद में मिलूंगा, मगर पहले ये बताओ कि वो जो कमरे में लड़की है वो कौन है? लड़की? कौन लड़की? वो कह रही है कि वो तुम्हारी बीवी है। बीवी? क्या बोल रहे हैं आप? सरताज मैं आ गई सरताज, मैं कब से आपकी राह तक रही थी सरताज। तुम यहाँ क्या कर रही हो सरताज? बता दे इन्हें आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
अहमद अहमद कह दो ये सब झूठ है प्लीज। जी डैड ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? भूल गए वो सारे वादे जो आपने मुझसे किए थे? हैं? कौन सा वादा? कौन से वादे? वो वादे जो सिफारी पार्क की पहाड़ियों पे हमने चलते हुए किए थे। अग्नि को साक्षी मान के आपने मुझसे शादी करी। ये मेरी मांग का सिंदूर झूठ नहीं बोल रहा, गले का मंगलसूत्र के चीख चीख के कह रहा है कि अहमद ही मेरा पति है। बबलू, डैडी एक्चुअली बबलू की कजन है। वो लगता है इसने दवाई नहीं ली, इसका थोड़ा दिमागी। बताना बबलू। मेरी कजन? मेरी कौन सी कजन है? चलो ना। क्या है मोटे, तू कौन है? बताओ जरा। दवाई नहीं पीना, मुझे भी भूल गई, ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। चलो ना, तो दवाई का टाइम हो गया तुम्हारी। चलो ओके। देखा, मैं कह रहा था ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपको गलत फहमी है डैड। क्या मतलब? मैं कोर्ट मैरिज करके आया। ये अहमद ने क्या कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। छोड़े शमशेर भाई, जो होना था सो हो गया। हो तो गया है, मगर कितनी जिल्लत की बात है। तस्कीन तुम चुप रहो। भाभी ठीक कह रही है जफर, उससे तो मुझे तुम लोगों के सामने जलील करवा दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं शमशेर भाई, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं जैसे पहले थे। बिन माँ के पला बड़ा है, जो ना करे वो कम। तस्कीन, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सोचने समझने के लिए अब कुछ बाकी बचा है? डोंट बी सो चाइल्डिश, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। क्या मतलब है आपका? हुँ? मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ? आपके भांजे ने मेरी बेटी को बगैर देखे रिजेक्ट कर दिया, और वो भी उस जैसी एक फजूल लड़की के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि मैं चाइल्डिश बिहेव कर रही हूँ? अब तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने ना चाहने से फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन मेरा इतना कहना है कि बराए मेहरबानी अब हमें यहाँ पे रह के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो तुम्हारा मतलब है हम वापस अमेरिका चले जाएं? बिल्कुल ठीक समझे आप। नहीं, हम शमशेर भाई को इस सिचुएशन में तना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब है आपका? आपसे पहले वो किसके सहारे रह रहे थे? अकेले ही रह रहे थे ना, अब भी रह लेंगे? तुम इतनी सेल्फिश भी हो सकती हो तस्कीन? आपको जो कहना है कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे अमेरिका वापस जाने का फौरन बंदोबस्त करवा दीजिए। ठीक है, तुम अमेरिका वापस जाना चाहती हो तो तुम शौक से जाओ, लेकिन मैं शमशेर भाई को यहां अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, समझिए तुम। बड़े आए शमशेर भाई के हमदर्द, 12 साल तक ख्याल नहीं आया, और अब आया है तो ऐसा हो गया। इतना ओवर ड्रेस क्यों हो गई हो? प्यारी लग रही हो ना। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जानी पेट्रोल नहीं करोगे तो टेंशन मत ले जानी। अरे हम सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। वैसे भी मैं और मेरी वाइफ जरा बाहर जा रहे थे। तुमने अच्छा नहीं किया अहमद। डैड प्लीज, अब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। अच्छा बेटा ये बताओ कि बहू का नाम क्या है? चंपाकली। हैं? हैं? ये
ये कैसा नाम है? नहीं नहीं मजाक करिए, इसका नाम जोहा है। जोहा? और वो जो बबलू आया था उसकी कजन कह रही थी कि मेरा नाम जोहा है। वो तो डैड ये भी कह रही थी कि मेरी बीवी है, लेकिन ऐसा था तो नहीं ना। अहमद सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहेगा। डैड कम ऑन, अफसोस मसले का हल नहीं है। ये तो बेला वजह ही कहा जाता है कि अमेरिका में पले बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं। जिन्होंने बिगड़ना होता है वो कहीं भी बिगड़ सकते हैं। ठीक कहते मोमान कि अमेरिका में बच्चे वाकई बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगी तो इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। हाँ बेटा देख रही हूँ। जी चले चलो बाय। शमशेर भाई? हाँ। वो एक मशवरा करना था आपसे। बोलो। शमशेर भाई मैं सोच रहा था कि अब खानदान वालों को अहमद की शादी के बारे में बता ही दिया जाए। हाँ मैं भी इसी टेंशन में था कि क्या करूं। नहीं इसमें टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। एक इफ्तार डिनर प्लान करते हैं, पूरे खानदान को इनवाइट करते हैं और सबको बता दें। ठीक ये ठीक रहेगा। तो अगले बुध को रख लें। अब तो सब ठीक जा रहा है, अब क्या हो गया तुझे? यार डैड जो है ना मेरी वजह से बहुत सदमे में, बहुत परेशान है वो मेरी वजह से। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तूने कौन सी असली में शादी कर ली है? फिर भी यार डैड को बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत परेशान है। यार तू बहुत टेंशन ले रहा है यार, ईद के बाद तो वैसे ही मामू चले जाएंगे, सेट हो जाएगा सब। देख भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तेरी इस फिल्म को निपटाने में मेरी शादी तो खराब हो रही है ना। मैं रोई तू नहीं रोई, देख मैं तो बिल्कुल चिल कर रही हूँ। किन मुमानी का फोन आ रहा है? हेलो जी मुमानी। अहमद बेटा दुल्हन के घर वाले आए हैं। आ गई मेरी बच्ची। सलाम अलैकुम दामाद जी। अलैकुम। ये सब क्या हो रहा है? सलीम चिकने, अबे क्या कर रहा तू यहाँ पर है? रमजान के महीने में हैंडफ्री लगा के मुंह में पान डाल के तू गंदे गंदे गाने सुन रहा है? तो मेरा कौन सा रोजा है जो टूट जाएगा? और तू कब से नेकी वाली बातें करने लगी? हाँ देख अहमद मैंने बहू के घर वालों का सामान तुम्हारे बराबर वाले कमरे में रखवा दिया है। कौन सा सामान? अरे बेटा तेरी याद इतनी सता रही थी मैंने कहा कुछ दिन के लिए तेरे घर जाके रह लूं। मुमानी अब देख तू जिद ना करना, 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है तेरे घर रुकना। अबे चंपा तुम इन लोगों को समझाओ, मैं मुमानी को देखते आता हूँ। हाँ क्या हो रहा? अच्छा ठीक है तू टेंशन नहीं लेना, मैं सेटिंग कर लूंगी। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तू एक नंबर की झूठी है कमबख्त मारी। तूने मुझे क्या कहा था?
तेरी इससे शादी नहीं हुई है? अगर शादी नहीं हुई तो सारे लोग तेरे को बहू 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 क्यों कह रहे हैं भाई? दो मिनट के लिए चुप करेगी? यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हमारी शादी नहीं हुई भी। वाह वाह, ये तो सितारा प्रेस का ड्रामा हो गया। खाला सुन रही है ना तू? माफ कर दे चंपा, अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकती हूँ, ना तू मुझे बेवकूफ बना सकती है। ए सलीम, चल चल ऊपर चल के बेटा आराम करें, बहुत थक गए हम तो। अरे बहुत बड़ा घर है, कमरा बिल में देर लगेगी, आ जा आ जा। अरे सलीम चकने, मेरी बात सुन। अरे अम्मा, अरे ये झाइलों को मैं क्या बताऊं, यहाँ क्या चल रहा है? अरे चकने सलीम। बात मारे, पान चबाता बाग गया, कट 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 कट, इफ्तारी के टाइम पान खाते? खाला तुझे क्या पता पान से इफ्तारी का मजा क्या होता है? इधर इधर ये थैली पका और ऊपर कमरे में रख के जाइयो। क्या है थैली में? और क्या है, कीमे का समोसा, तली हुई चिकन की टांगे, रात को खाएंगे कच 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 कच। वाह खाला वाह, कीमे के समोसे और चिकन, इफ्तारी में क्या चोरी चकारी करती, जबर मेरा गेट जो निकल ले। और दोस्त की इस तारीख ने मेरी बातें ना कर, चल जा रखिया फटाफट, दोबारा आना। अच्छा भैया क्या, अच्छे अच्छे मोबाइल लेके मुँह में पानी आ रहा है, समोसा ले जाऊँ? रोजा रखना कल भी। अच्छा हाँ, कम वक्त सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चाहिए आपको, कुछ दूँ? रोजा रखा है लेकिन देखा भाई कुछ मिला ही नहीं, कुछ होता तो खाते। तो आप कुछ लीजिए ना, मुझे बताइए क्या दूं आपको। खाला जलेबी बड़े शौक से खाता हूँ मैं। आई मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे शहजादे, ले खा जलेबी खा। खाला समोसे भी, समोसे वाला किसका याद है, बोलने में समोसे मांग रहे कम दे दो, उसका सर मार दिया था मैंने। और मैंने भी जाकर कैसे लपड़ लगा के ठीक कर दिया। ले ये खा मेरे बेटा, मेरी जान। ए बाजी, बाजी अब आपकी इतनी उम्र भी नहीं कि मैं आपको आंटी या खाला कहूँ। तो मेरे बाजी कह रही है ड्रेस कहाँ से खरीदा? क्यों, आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं, वो बात ये है कि कल हम लालू खेत गए थे, माम ने ये ड्रेस देखा था तो हमने कहा चलो हम भी खरीद लें, कि अच्छा है वैसे। मैंने उसको बोला कि ड्रेस कितने का, कम वक्त मारे ने कुछ बताया नहीं, मसरूफ था। मैंने कहा चलो छोड़ बैठ, ये लालू खेत का नहीं है। अच्छा तो फिर तालिक रोड गई होंगी, सारे बड़े लोग वहीं जाते और मैं भी वहीं जाती हूँ खरीदारी करने के लिए। ये डिजाइनर से ये इस तरह से बाजार में नहीं मिलता। डिजाइनर डिजाइनर डिजाइनर। अच्छा वाह, क्या मोबाइल है? नहीं वो टच है, टच टच वाला है ना, तो वो टच वाला महंगा होता है, इसलिए मैं कह रहा था। तुम लोग पागल पागल तो नहीं हो, किस किस्म की बातें कर रहे हो, जरा भी मैनर्स नहीं। हाँ भी इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैं तो पूछा था कितने का बेचना तो बताए। भाई अच्छे पैसे दिलवा दूंगा मैं, बोर्ड तो बाकी होगी ना। अरे हम पागल क्यों होते, पागल ये होगी, ले दो समोसे और खा। तुम हर एक के पास टच वाला है, और टच वाला 50 का कम नहीं होता, एक दिन के अगर मैं 5 हूँ ना, 20,000 रुपये कहीं नहीं गए मेरे। तारिक अंकल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक है आप? अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी वाइफ है जोहा। चंपा। जोहा। हाँ हाँ वही जोहा। मैंने ना कहीं देखा है। ये तो सोई भुट्टा है साला, इसको तो मैंने गिरफ्तार किया था, इसने मुझे पहचान लिया है। अरे पुलिस वाली है। नहीं नहीं अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरी वाइफ जोहा है। नहीं बेटा, ये वाकई पुलिस वाली है, इससे शादी कैसे कर ली? तू जा।
तू 2 मिनट के लिए आगे पीछे हो, ये बड्डा नहीं मानेगा, इसको मुझे संभालने दे, जा। बहुत सारे लोग हैं, जरा हल्का हाथ रखना। तो टेंशन नहीं ले, चल कर, चल चल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, खाइए ना। चल मैं बड्डे हाथ उठा। अगर तूने किसी को ये बताने की कोशिश की कि मैं पुलिस वाली हूँ, तो फिर मैं भी बता दूंगी कि तुझे मैंने कहाँ से गिरफ्तार किया था, पीटीओ वाले के पास, और वो भी छापे के दौरान, और किस हालत में गिरफ्तार किया था ये भी बताऊंगी। अब बोल, यही तेरा इनकाउंटर कर डालू यहाँ। अंकल अफतारी होगी आपकी? हाँ हाँ, अंकल जी ने तो फुल टाइम अफतारी फोड़ डाली है। आंटी जी आपने भी मंड के खाना है, मंड के टेंशन नहीं लेनी, और तू भी मंड के खाई। ठीक है अंकल, मिलते हैं आपसे। ओके आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बबलू, मोटे तू सो रहा है, उठ यार, तुझे पता नहीं है तेरा दोस्त किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा भला मैं और डैड अकेले जिंदगी गुजार रहे थे, ये मामू और मामी पता नहीं कहाँ से आ रहे, और वो अदा इतनी चिपकू है साली, क्या बताऊँ। वो चंपा की माँ और कजन यार, डैड पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, मैंने किन लोगों में शादी कर ली है। हेलो बबलू, तुम्हारी आवाज कट के आ रही है। खाना आया नहीं है, टेंशन पहले आ गई। बबलू हाय, तुम अहमद हो ना? जी जी मैं ही अहमद हूँ, आप कौन? तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो। अच्छा लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारी कजन हूँ अदा, बुद्धू। तुम्हारी शादी हो गई है ना? सॉरी मैं बिल्कुल भूल गई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अंदर आने को नहीं कहोगे? अंदर क्या, श्योर आइए। अब प्लीज, आप अदा है? इतना बड़ा गेम करने से पहले कम से कम सोच तो लेता। मुझे क्या पता था कि वो लड़की अदा नहीं बल्कि उनकी कोई मेड है। अबे तेरे 1 लाख रुपए के लालच के चक्कर में मेरी लाइफ में 1 लाख पंगे खड़े हो गए हैं। चंदेली की बच्ची, तुझे तेरे पैसे तो मिल रहे हैं ना? अरे भाड़ न गए तेरे पैसे। तेरे इस चक्कर में सलीम चिकने ने पूरे खानदान में मशहूर कर दिया कि चंपा कली ने भाग के शादी की है, और मुझे फायदा क्या हुआ? कद्दू कुछ भी नहीं। अच्छा अब ये बता कि करना क्या है? कसम खुदा की, तो जैसा माठा आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। जो होना था वो हो गया, अब ये सोचना है कि इस एपिसोड का एंड कैसे करें। अच्छा तो ठीक है, करके सोचते हैं। तफत, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तस्वीर से ज्यादा असल में। भाई साहब बेटी किसकी है? हाँ, मैं बहुत बदकिस्मत और मुझसे ज्यादा मेरा बेटा बदकिस्मत। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये भी तो आप ही की बेटी है। हाँ अंकल, मैं आपसे एक बात कहूं? आओ बेटा। क्या आप तकदीर में यकीन रखते हैं? बिल्कुल, ये हमारे ईमान का हिस्सा।
तो फिर आप ये भी मानते होंगे कि हमारे साथ जो भी होता है वो तकदीर में पहले से लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। तो फिर मसला क्या है? अगर अहमद की मुझसे नहीं किसी और से शादी हो गई तो ये तो किस्मत में पहले से लिखा हुआ था ना अंकल। तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मुझे और ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बहू क्यों नहीं बनी। बेटी तो हूं ना। हाँ हाँ मेरी जिंदगी में घड़ी घड़ी इतने धमाके हो रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अल्लाह ऐसी धमाकेदार जिंदगी किसी को ना दे। हंस लो तुम लोग मेरी जिंदगी पर। और तू बबलू, तू तो कोई आइडिया दे ही नहीं सकता। फिर तू मशवरा मांगता ही उस वक्त जब मैं खाली पेट होता हूँ। मैं खाली पेट कैसे सोचूं, मेरा दिमाग नहीं चलता। अबे मोटे, अभी तो टूस रहा है ना, अभी कुछ बता दे यार। मेरे पास एक आइडिया है। कॉफी? ओह है, कम, यप, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मेरे लिए बनाई है। और कोई दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। सब कुछ ठीक है? परेशान लग रहे हो? हाँ हाँ। तुमने कभी झूठ बोला? That I really remember. लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। अब कभी एग्जाम्स में तो चीटिंग की होगी ना? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो ये दोनों किए। अच्छा, that's very nice. अदा तुम्हें क्या लगता है? Is it good to lie or to cheat? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे भाई इस वजह से, because कम से कम तुम सच तो बोल रहे हो। कौन से लोग ऐलान करते फिरते हैं कि वो झूठ बोलते हैं? पता है तुम्हें? हर नेगेटिव बात में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज निकाल ही लेती हो तुम। आई नो दैट। लेकिन तुम पूछ क्यों रहे थे? अब ये मत पूछना मुझसे, वरना एक और झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा कॉफी पियो वरना ठंडी हो जाएगी। वेरी नाइस। थैंक यू। तुमने कभी झूठ बोला? That I really remember. लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। अब कभी एग्जाम्स में तो चीटिंग की होगी ना? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो ये दोनों किए। अच्छा, that's very nice. अदा तुम्हें क्या लगता है? Is it good to lie or to cheat? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे भाई इस वजह से, because कम से कम तुम सच तो बोल रहे हो। कौन से लोग ऐलान करते फिरते हैं कि वो झूठ बोलते हैं? कुछ जल रहा है क्या? मेरी शर्ट जल रही है। अहमद तुम्हारी शर्ट जल रही है? तुम्हारी शर्ट जल रही है? यही तो कह रहा था मैं, मेरी शर्ट जल गई। अहमद तुम कितने पागल हो ना। जाओ एक और शर्ट लेके आओ, मैं इसी करती हूँ। जाओ, केयरलेस। शमशेर भाई, अगर हम इस सारे प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करें। बिल्कुल। ये क्या हरकत है भाई? तुम लोगों का पेट है या फिर कोई अंधा कुआं भरता ही नहीं है? अभी इफ्तारी में खा पी के बैठे हो तुम लोग, वो हजम हो गया जो फिर से बैठ के खाने। ये क्या बदतमीजी है? आप तो चुप ही रहिए सुसर जी, आपके तो मुँह में जैसे कोई दही जमा हुआ है, कुछ बोलते ही नहीं इसको, उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। लड़की तुम हद से ज्यादा गुजर रही हो,
वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माय फट। ये क्या कह रही, अंग्रेजी में माय फुटी कहते हैं। और वो याद है जब मैं साइकिल से गिर गई थी और तुम पे एग्जाम लगाया था, डांट पिटी थी तुम। हाँ, याद है। अच्छे दिन थे वो, इट वाज फन। अदा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी शादी का सुन के अफसोस हुआ था? एक्सक्यूज मी, मुझसे हर कोई सवाल क्यों कर रहा है? इट्स नॉट लाइक आई वाज इन लव विद यू। ये सब तो मेरे अम्मी अबू और तुम्हारे अबू ने डिसाइड किया था ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? हुँ? नहीं, मगर मुझे तो हुआ। क्या अफसोस तुम्हारे लिए? Not funny. अच्छा, please forget it. कोई और बात करते हैं। मैं करती हूँ ना कोई और बात। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? जुहा, आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ। और अहमद, तुम एक बीवी के होते हुए गैर औरत के साथ बैठ के यहाँ पे गुल छड़े उड़ा रहे हो तुम। जुहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये जो चिकनी चमेली अमेरिका से पाकिस्तान तुम्हारे चक्कर में तो आई थी कि तुमसे शादी कर ले। Okay, that's enough, Zoha. मैंने सबको पहले से बता दिया कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आपकी टेंशन हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिल की बात कहाँ लेके जाओगे तुम मैडम? कौन सी दिल की बात? यही कि तुम अहमद पे फुल टाइम लट्टू हो, और वो भी घुमा कर। Zoha. अच्छा, that's enough. I think I'm going to go. Why don't you handle her, Ahmed? हाँ हाँ, तुम भी अहमद खड़े हो जाओ, तुम्हें बड़ा शौक है इस अमेरिकन सुंडे के साथ बैठने का। क्या चटर चटर बोले जा रही हो तुम? सही किया ना एक्टिंग, क्या तुम इतना बोल रहा है? चल चल, फॉलो मी। इतना ओवर एक्टिंग करने को किसने बोला था तुम्हें? अदा, क्या हुआ? बस अंकल, आई वांट टू गो बैक। मगर क्यों? मुझसे नहीं और यहाँ रहा जा रहा अंकल। आखिर कुछ तो बताओ ना। अंकल, ये चंपा इतनी बदतमीज है। क्या कहा उसने? अंकल, चंपा ने बहुत बदतमीजी की है मुझसे, और मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं तो उसकी इतनी इज्जत करती हूँ। मैंने दिल में ये भी नहीं रखा कि अहमद से उसकी शादी हो गई है, फिर भी वो इतनी बुरी तरह बात कर रही है मुझसे। अहमद से कह रही है कि मैं उससे फ्लर्ट करने के लिए वहां बैठी। ओह माय गॉड, ये कहा उसने? एक मिनट है, जस्ट वन मिनट। अहमद, अहमद नीचे आओ। जाओ शमशेर भाई। क्या हुआ डैड, आपने बुलाया? हाँ, तुमसे एक फैसला करने के लिए बुलाया। कैसा फैसला? तुम और तुम्हारी घटिया जाहिल बीवी इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? जब तुम इतने घिरे हुए लोगों में जाकर शादी कर सकते हो, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? डैड प्लीज, आई वॉन्ट यू टू लीव दिस हाउस एज सून एज पॉसिबल। कहा लेके जा रही है मैं? सुकून से तो बैठे हुए थे, तो बड़े बड़े टीवी में ड्रामे देख रहे थे। ये तो अच्छा है कि तुम लोगों ने अपना सामान पहले से पैक कर लिया। मगर डैड, आप मेरे बगैर रह लेंगे? हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन आदत डालूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ ही रहूं? हो सकता है, अगर तुम इस लड़की को तलाक दो। ये तलाक नहीं हो सकती। क्यों क्यों तलाक नहीं दे सकता? अरे हाजी साहब, ये तलाक हो ही नहीं सकती। जब शादी नहीं हुई तो तलाक कहाँ से होगी कद्दू? अरे हाजी साहब, जरा बात को मेरी समझिए, लॉजिक है चंपा की बात में। अहमद, ये लड़की क्या कह रही है? ठीक कह रही है मामू। तो फिर ये सब क्या था? अब तुम लोग सब दिमाग खोल के मेरी बात सुनो।
अहमद किसी ऐसी लड़की से शादी चाहता था जिसे उसने 12 साल से देखा ही नहीं था। वो कैसे उठती है, बैठती है, जागती है, सोती है, उसकी क्या हरकतें हैं? अहमद बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, तो वो शादी कहां से करता? लिहाजा अहमद ने ना शादी करने का फैसला किया और इसलिए हम सब ने ये गेम खेला। तो फिर तुम कौन हो? चंपा, इंस्पेक्टर चंपा कली। फिर जब मेरे दोस्त अहमद ने अदा को देखा तो अहमद को इस बात का एहसास हुआ कि अदा से प्यारी और उम्दा लड़की तो इसे पूरी दुनिया जहां में नहीं मिल सकती। क्यों भाई अहमद, ऐसा ही था ना? लिहाजा उसके बाद इस गेम को खत्म करने का फैसला किया गया। और हाँ, आप लोगों से जो जो भी मैंने बदतमीजी की थी वो सब इस खेल का हिस्सा थी, पर तेरे साथ जो कुछ किया वो सब रियल था, समझी? मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा मेरी मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकता। अदा, तो वाकई बड़ी लकी है यार कि तुझे अहमद जैसा जीवन साथी मिल रहा है। कदर कर इसकी और इसे लड़ना मत, ये तो पंगा कर दूंगी, समझी? चल बे अहमद, तेरा गेम तो सेट हो गया, अब कोई पंगा शंगा मत करना, चंपा काम ही आएगी। थैंक यू चंपा। खुश रहे, चल करना है अब तूने। सबको टाटा बाय बाय, सिलिंग चिकने, अम्मा आजा, वापस सबकी नगरी चले। क्या बात है भाई, चंपा। हेलो, ठीक है ठीक है, वापस। भाई ड्रामेबाज, सबको हैरान कर दिया यार तुमने। खाना छोड़ के जाऊं? नो। अदा बेटा जल्दी से ले आओ चीजें, ये लोग ईद की नमाज पढ़कर बस आने ही वाले होंगे। आजो 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 आजो। अरे ईद मुबारक। आ गए, ईद मुबारक भाई साहब, खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। बेटा जीते रहो, खुश रहो, ईद मुबारक। यही है ना जिसने तुम्हें नकली बीवी का मशवरा दिया था? जी डैड, ये बबलू ही है, ये बबलू का ही आइडिया था। ये तो वाकई में बबलू है। अहमद यार, अदा को तो ईदी दो ना। ईदी? यस, निकालो ना। अच्छा या या। भाई साहब, मेरी भी तो 12 साल की दिया जमा है, निकालिए। 12 साल से नहीं लिया आपसे मैंने दी। ये लीजिए। लो भाई, मैं फॉरेन करेंसी में, ये भाई मेरी बेटी की दी है। थैंक यू, मुफ्त में मिलेंगे तो दो। आदाब, तुम्हारी ईद है बेटा, ये लो, ये तुम लो 20, 20, 40 और 20, 60 रुपए। 60 रुपए बर्गर आ जाएगा। 500 रुपए साहब आपकी ईद और करेंसी में। अंकल मेरी ईद है, तेरा में अंकल मेरी ईद है। जल्दी से कुछ शीर कोरमा के लाए भाई, कुछ कुछ अब मुंह भी मीठा हो जाए। हाँ हाँ,
अहमद बेटा अदा का बहुत ख्याल रखना। अच्छा यार ये तो चीटेंगे, बाप ने अब बेटिया छोड़ के बहू का ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये मेरी बेटी जो होगी। अच्छा हाँ भाई हो गई तैयारी। हाँ बेटा रास्ते में रहना, फोन करते रहे। जी अल्लाह तुम लोगों को खैर खैरियत से वापस लाए। बात सुनो हुँ? मैंने तुम्हारे लिए दूसरी शर्ट प्रेस करके रखी थी। ओहो भूल गई। जल्दी जल्दी ओ भाई फ्लाइट निकल जाएगी। और जल्दी निकलो मेरे घर से भाई। डैड मेरा मतलब है फ्लाइट का टाइम हो गया। आ जा जल्दी जल्दी आओ। जी भाईजान क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ जी। अरे भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? मैडम बताएंगी आपको। क्या मतलब हमने किया क्या है? ऐसे कैसे? हनीमून पे जा रहे थे हम, क्रिमिनल्स थोड़ी, कहाँ ले जा रहे हैं हम? यही तो कसूर है तुम लोगों का, एक तो मुझे शादी पे नहीं बुलाया। अब मुझे बताए बगैर तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो? ऐसे नहीं जाने देगी चंपा। चंपा